के नागरिक को एक अधिकार देता है कि सुचितापूर्ण पारदर्शिता की एक ऐसी सरकार 5 वर्ष के लिए चुने कि जिससे भारत का नाम रोशन हो सके। हमारा देश सुरक्षा की दृष्टि से, हमारा देश जाति धर्म संप्रदाय के से ऊपर उठकर आर्थिक उन्नति हो, सामाजिक उन्नति हो और हम एक मजबूत राष्ट्र के रूप में सामने आ सकें। हमारा लक्ष्य है कि हमारा देश एक महाशक्ति बने, एक सुपर पावर बने और दुनिया के सर्वोच्च देशों में हमारे देश का नाम हो, और ये तब संभव है जब हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं मजबूत होंगी। मुझे खुशी है कि आज दुनिया में एक ऐसा देश भारत है जहां जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की सरकार चुनी जाती है, जो जनता के लिए काम करे। जनता सत्ता का परिवर्तन की चाबी अपने पास में रखती है और जब वो चाबी खोलती है तो छप्पर फाड़कर भी देती है, और वो ऐसे लोगों को चुनने के लिए प्रेरित करती है कि वो जो उसके लिए काम कर सके। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज ये 5वां चरण चल रहा है, लोग भारी संख्या में मतदान कर रहे हैं, ये एक प्रसन्नता का विषय है। लखनऊ मेरा परंपरागत तरीके से पूर्वजों का ये स्थल रहा है और आज मैंने सपरिवार अपने मतदान किया है, और सबसे मैं यही अपील करूंगा कि मतदान जरूर करिए। ये एक आपके पास में एक ऐसा हथियार है जो हथियार ये गोली और बम और कट्टा को सही रूप में जवाब दे सकता है। डॉक्टर साहब, आज पश्चिम बंगाल में फिर से हिंसा हुई है, वहाँ पे वोटिंग के दौरान क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल में लगातार इस तरह के हर जो पोलिंग होती है उसमें लगातार, देखिए पश्चिम बंगाल को हमारे उत्तर प्रदेश से सबक लेना चाहिए और पश्चिम बंगाल को इस बात से सबक लेना चाहिए कि सरकार को जनता को बनाने दें, सरकार में सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। आप देख लीजिए कहीं भी उत्तर प्रदेश सरकार का कहीं भी हस्तक्षेप नहीं है। जो आएंगे हर नागरिक को बराबर से अधिकार है, यहाँ कोई वीआईपी नहीं है।